उत्तराखंड के रामनगर में सोमवार को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व एवं स्थानीय प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने वन भूमियों पर अवैध धार्मिक संरचना के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए आमडंडा बीट फूलताल ब्लॉक 7 में बनी थपली बाबा की मजार को ध्वस्त करने की कार्रवाई की। प्रशासन की इस कार्रवाई की भनक लगते ही भारी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन मौके पर तैनात भारी पुलिस फोर्स ने मजार में किसी को भी नहीं जाने दिया। आपको बता दें, मजार हिंदू और मुस्लिमों दोनों की आस्था का केंद्र मानी जाती थी और इस मजार पर उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश के कई इलाकों के श्रद्धालु भी दुआ करने के लिए आते थे। प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ लोगों ने आक्रोश जताते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं मौजूदा लोगों ने कार्रवाई के दौरान मुस्लिम समाज के इस मजार में रखे ग्रंथों के साथ की गई छेड़छाड़ पर आपत्ति जताते हुए हाईवे पर कुछ देर जाम लगाकर प्रदर्शन भी किया। मजार के मुजाविर अशरफ अली ने बताया, ये मजार 140 साल पुरानी है तथा वन विभाग और प्रशासन द्वारा उन्हें कोई सूचना नहीं दी गई। लोग यहाँ 4 दिन का टाइम में लगा तुम्हें समझ गए, और ये सबकी आस्था से जुड़ा हुआ हमारे हिंदू मुस्लिम सब आते हैं यहाँ पर। 140 साल पुराना मजार है साहब, ये 140 साल पुराना मजार है ये, समझ गए। और उसके कागज भी मैंने लगाए थे रिंजा साहब के वहाँ, डीपीओ साहब के वहाँ, उन्होंने रद्द कर दिए इन्हें, उन्हें कहा इस मजार को कोई नहीं बचा सकता। देखिए, जहाँ तक बात आस्था की आती है, ये एक पूरा हिंदू इलाका है जहाँ पे आप खड़े हैं, ये पूरा एक हिंदू क्षेत्र है यहाँ पे, और सारे सारे पर्वतीय लोगों का ही निवास है यहाँ पे। तो ये जो अपर ये मजार बनी हुई है, इसकी मान्यता हिंदू में, मैं जहाँ तक देखना होता कि मेरे तो हर हम यहाँ बैठते हैं, यहाँ पे रहते हैं, तो हिंदू लोग ज़्यादा यहाँ पे नमस्कार करके जाते हैं। तो मेरा मानना है कि हिंदुओं में भी अच्छी मान्यता इसकी है, और साथ में मजार तो मुसलमान समुदाय की है, लेकिन मान्यता इसकी हिंदुओं में बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे कई परिवार इसमें ऐसे, मैं मानता हूँ कि प्रदेश में पूरी जगह पर कार्रवाई चल रही है अतिक्रमण हटाओ के अभियान पर, मजार और मंदिर तोड़े जा रहे हैं। ठीक है, जो अवैध बने हैं तोड़े जाए, हम भी मानते हैं कि जिन्होंने जबरदस्ती बसा दिया उनको हटाना चाहिए। मौके पर मौजूद SDM गौरव चटवाल और कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने आक्रोशित लोगों को कार्रवाई के दौरान की गई वीडियोग्राफी मोबाइल से दिखाते हुए लगाए हुए आरोपों को निराधार बताया। इस मजार पर उत्तर प्रदेश के कई लोग दर्शन के लिए पहुंचे थे, लेकिन उन्हें वहां पर प्रशासनिक कार्रवाई के चलते बैरंग लौटना पड़ा। फिलहाल प्रशासन की कार्रवाई के बाद लोगों में आक्रोश बना हुआ है और मजार के आसपास शांति व्यवस्था को लेकर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात है।